रजनी और अमर की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अमर अपनी पत्नी रजनी से बहुत प्यार करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर अमर और रजनी का झगड़ा होने लगा। अरे तुमने फिर से गीला टॉवल बेड पर डाल दिया, कितनी बार तुमसे कहा है कि सारा बेड गीला हो जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, गलती हो गई मुझसे, अगली बार ध्यान रखूंगा। बस हर बार पर बस यही कह के चल देते हो, सारा दिन सफाई तो मुझे करनी पड़ती है ना। देखो रजनी इस तरह नाराज मत हो, मैंने कहा ना मैं ध्यान रखूंगा आगे से। और फिर रात के वक्त रजनी अपना बिस्तर उठाकर बेडरूम से बाहर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रजनी, सुबह वाली बात पर अभी तक नाराज हो क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम अपना बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के कमरे में सोने जा रही हूँ, मम्मी जी अकेली है ना। अरे कैसी बात करती हो रजनी, शादी के बाद लड़कियाँ अपने पति के पास अपने बेडरूम में सोती हैं, सास के पास कौन सोता है? मैंने कहा ना मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं मम्मी जी के पास सोने जा रही हूँ। अरे रजनी मेरी बात तो सुनो यार, मेरा अभी तो मन करता है ना तुमसे प्यार करने का, तुम्हारे साथ रहने का। ऑफिस से थका हारा आया हूँ और तुम मम्मी जी के पास सोने जा रही हो। देखो मुझे आज अपनी सास के पास सोने का मन है और मैं जा रही हूँ। इतना कहकर रजनी अपनी सास के साथ सोने के लिए उनके कमरे में चली जाती है। रजनी बेटा तुम यहाँ? मम्मी जी क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं बिल्कुल सो सकती हो, लेकिन सब ठीक तो है ना? अमर के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रोज रोज इनके साथ उस कमरे में सोकर बोर हो चुकी हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए आपके पास सो जाती हूँ। आपको कोई एतराज हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, सो जा। और फिर अगले दिन, अमर बेटा तुम्हारा रजनी के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो मम्मी ऐसे तो कोई बात नहीं है, क्यों क्या हुआ? अरे वो कल रात मेरे कमरे में सोने आ गई थी तो मुझे लगा, सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं मम्मी जी वो ऐसी बस उसका मन किया होगा, कह रही थी कि मम्मी अकेली है इसलिए आपकी चिंता हो रही थी। पर अगली रात को फिर से रजनी अपना बिस्तर उठाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। रजनी बेटा आज फिर से मेरे पास सोने आ गई। मम्मी जी आपको मेरा अपने पास आना अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पर अमर अपने कमरे में अकेला होगा ना। अरे तो वो कौन से 6 महीने के छोटे दूध पीते बच्चे हैं, उनको डर थोड़ी ना लगता है, इतने बड़े हो गए हैं, एक दो दिन अकेले सो लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और इस तरह फिर तो ये रोज की बात हो गई। रजनी रोज अपना बिस्तर उठाती, अपनी सास के पास आकर सो जाती। सास उससे कुछ इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उसे लगता है कि बहू बुरा मान जाएगी। एक दिन सुबह सुबह, माँ मेरे लिए चाय बना दो, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अरे बेटा तो रजनी से क्यों नहीं कह देते? मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे आखिर क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखो ना माँ आजकल रजनी का बिहेवियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोज रात को आपके पास आकर सो जाती है, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमर गुस्से में ही घर से ऑफिस चला जाता है। ये देखकर सास बहुत दुखी हो जाती है। और फिर अगले दिन, मम्मी जी मैं आ गई आपके पास सोने। हाँ बहू सो जाओ, पर वो क्या है ना आज मेरा पुरानी फिल्में देखने का बड़ा मन कर रहा था। कोई बात नहीं सो जाओ, मैं पिक्चर देखती रहूंगी। ठीक है मम्मी जी। रजनी की सास तेज आवाज में अपने कमरे में टीवी चलाकर रखती है, इसकी वजह से रजनी को नींद नहीं आती, लेकिन वो पूरी रात करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रहती है। सास को लगता है कि अब रजनी उसके कमरे में सोने नहीं आएगी, लेकिन अगली रात फिर रजनी उसके कमरे में सोने के लिए पहुंच जाती है। मम्मी जी मैं आ गई। अरे बेटा मुझे लगा कि कल तुम ठीक से सो नहीं पाई थी, जाओ अपने कमरे में आराम से सो जाओ ना बेटा। अरे नहीं मम्मी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर रजनी फिर से अपनी सास के कमरे में सो जाती है। आधे घंटे बाद, बेटा जरा मेरे पैरों पर तेल तो लगा दे। ठीक है मम्मी जी। रजनी अपनी सास के पैरों पर तेल लगाकर जैसे ही सोने लगती है,
आधे घंटे बाद फिर से, बहू मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर तो दबा दे। ठीक है मम्मी जी, दबा देती हूँ। बहुत जोर से दर्द आ रही है। अपनी सास का सर दबाकर रजनी फिर से सोने की कोशिश करती है, पर आधे घंटे बाद फिर से, अरे बहू बड़ी जोर से प्यास लगी है बेटा, जरा किचन से पानी तो लेकर आ। अरे मम्मी जी जैसे ही नींद आने लगती है खुशी भाग लेती है। रजनी चुपचाप जाकर किचन से पानी लेकर आती है। इस तरह रजनी की सास पूरी रात हर आधे आधे घंटे पर उसे किसी न किसी बहाने से जगाती रहती है। रजनी परेशान हो जाती है, सास को लगता है कि इस बार वो उसके कमरे में सोने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगली रात फिर से रजनी वहां पहुंच जाती है। मम्मी जी आज मैंने आपकी दवाई पानी सब कुछ लाकर रख दिया है, अब आप प्लीज चुपचाप सो जाइएगा और मुझे भी सोने दीजिएगा। देखिए दो रातों से ना मैं सो ही नहीं पाई हूँ। अच्छा ठीक है बेटा सो जा। थोड़ी देर के बाद रजनी की सास बहुत जोर जोर से खर्राटे लेना शुरू करती है। खर्राटे इतने तेज होते हैं कि रजनी के कानों में दर्द होने लगता है। हे भगवान मम्मी जी को क्या हो गया है, क्या करूँ कहाँ जाऊँ मैं। परेशान होकर रजनी वापस अपने कमरे में जाती है। रजनी आज तो बहुत दिनों के बाद अपने बेडरूम में सोने आई हो, आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। क्या करती, तुम्हारी मम्मी के खर्राटों ने तो मेरी नींद उड़ा कर रखी है, अब मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अगली सुबह, अरे रजनी बेटा रात को कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, मैं तो डर ही गई थी मेरी बहू न जाने कहाँ चली गई। कहाँ जाती मम्मी जी, अपने कमरे में गई थी। और आजकल ना आप मुझे जानबूझकर बहुत परेशान करती हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही हैं? तीन रात हो गई है मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। रजनी ऐसे क्यों बात कर रही हो, मम्मी ने क्या कर दिया? आप अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछते, मैं बहू हूँ तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर काम करो और रात में भी चैन से ना सो। रजनी बेटा बड़ी नादान हो, इसीलिए तो जानबूझकर मैं ये सब कर रही थी ताकि तुम अपने पति के पास जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और तुमने मेरे कमरे में आकर सोना शुरू कर दिया, यह तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है बेटा। मम्मी तो क्या आपने जानबूझकर ये सब किया था रजनी को समझाने के लिए? अरे तो और क्या करती, दुनिया की पहली बहू है ये जो पति को छोड़कर